अंबर जैदी, ये मत करिए। अंबर जैदी वो कह रहे हैं कि महिला कार्ड ना खेले, इस तरह का जहर अगर कोई भी उगलेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बैठे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश को लेके, ऐसे 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 बयानबाजी आ रही है जैसे कि कोई एक तरफा बातें नहीं करता, और धर्म को लेकर जाति को लेकर तो कोई यहाँ पर कोई सब निष्पक्ष रहते हैं। इतना आसान होता है इस तरह की बातें करना टेलीविजन पर बैठकर, उनको लग रहा है कि यही से अंजना जी ऑर्डर देंगी और ये यहाँ से कोई जाएगा और किसी को पकड़ के लेके आएगा। हम सब यहाँ पे बहस कर रहे हैं, एक सार्थक अगर डिबेट हो तो लोग, आज जो माहौल बना हुआ है देश में तो लोगों पर गलत असर नहीं होगा। अगर सुप्रिया जी ये डिमांड करती है, कोई भी नूपुर ने जो कहा या जो कुछ भी हुआ उस बयान का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा, और जो पुलिस ने कार्रवाई की या उनकी पार्टी ने कार्रवाई की उसको भी आप एक तरफ उसको भी कहती हैं कि भाई उन्होंने गलत किया तो कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ कहती हैं कि भाई देखो कैसा हुआ कैसा हुआ। आप लोग इतनी खुशी मना रहे हैं देश की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अभी इस वक्त उंगली उठ रही है, आप लोग की बात कर रही है, आप लोग इतनी ताली मना रहे हैं, कह रही है विपक्ष विपक्ष तालियां बजा रहा है, सबकी बात कर रहे हैं, ये खुशी मनाने का टाइम है, जो समय खुशी मनाने का टाइम है, क्या बेवकूफी की बात कर रही है ये औरत भाई, ये खुशी मनाने का टाइम है, ये ताली बजाने का टाइम है, इतनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति जो आप लोग मिलकर देश को ला रहे हैं ये खुशी बजाने का टाइम है, बेवकूफी की बात कर रही है आप, जिस तरह से क्या जबरदस्त बात कर रही है, रुके रुके एक मिनट अंजना जी, ये बैठ के जो बदतमीजी से बात करें आप मुझसे बढ़िया आप बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके जैसे नहीं हूँ, मैं आपकी भाषा में आपको जवाब नहीं दूंगी, मेरा देश और मेरा परिवार मुझे अपने से बड़ों से बदतमीजी करना सिखाता नहीं है, तो मैं आपके साथ बदतमीजी, और आपको लगता है लोग ताली बजा रहे हैं देश में, ये खुशी की बात है, सुप्रिया जी रुके, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी ये गलत है, करौली से जो शुरुआत हुई इन लोगों ने वहां पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, वहां पर जब पीएमआई ने प्रशासन को कहा कि आप रूट चेंज करवा दीजिए तब कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया जाता, इनकी पार्टी ने एफसीआर एक्ट बनाया 2010 में, उस वहां से फंडिंग होती है, फॉरेन फंडिंग होती है, जो उसमें कोई बात नहीं करता, यहाँ पे बैठ के सब मीठी मीठी गोलियां बनाएंगे और बड़े भाषण देंगे कि देखो जी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो फसाद की जड़ है उस पे आप वार कीजिए ना, आपने जो आपकी पार्टी ने कानून बनाया था आपकी सरकार ने उसको आप बंद करने की मांग कीजिए, जो फॉरेन फंडिंग जो देश में फसाद मचाती है पूरा करने दीजिए, मैं जवाब देने दूंगी, रुक जाइए, आप उसमें बात कीजिए, अगर आप उस कानून को वापस लेने की मांग करती है तो मैं आपके आपका समर्थन करती हूँ कि आप इस देश के हित की बात कर रही है। सुप्रिया जी, अंजना जी, सबसे पहले तो इट इज ब्लास्फेमस, यहां पर आकर क्यों ये कैसे कह सकता है कि देश का सिर झुकने पर कोई ताली बजा रहा है या खुशी मना रहा है, देश का सिर झुकने पर जितनी पीड़ा और वेदना आपको है उससे ज्यादा पीड़ा और वेदना हम लोगों को है, क्योंकि देश का सिर झुकाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए, और जिसने ऐसा किया उसने घोर पाप किया है। पहली बात, आप राजस्थान की बात कर रही है और पीएफआई की बात कर रही है, 8 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, क्यों नहीं पीएफआई रिवोक कर रहे हैं आप, बार बार पीएफआई का झुंझुना मत बजाइए, सुप्रीम कोर्ट को आपने बताया 2019 में हम पीएफआई रिवोक करने जा रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं आप रिवोक कर रहे हैं पीएफआई अगर ऐसा है तो, यहां पर बैठकर ठीकरा इधर उधर फोड़ना बंद करिए, ये सच है और ये सच आत्मलोकन सबको करना पड़ेगा कि नफरत की ये जो आंधी पूरे देश में और ये जो आग लगाई जा रही थी उसका नतीजा ये है कि लोगों को लगता था कि वो टीवी डिबेट में आएंगे, कुछ भी आए साए बाए बकेंगे और बक कर चले जाएंगे और सत्तारूढ़ पार्टी उनको रिवॉर्ड करेगी, क्योंकि गोली मारो डैश को तो कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को 15 दिन हिरासत में डालते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं फिर वो आग उगलने लगते हैं, शकुन पांडे को प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, वो जाके आए बाए साए बक रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ये जो नफरत की आंधी चल रही है इसको रोकने का काम सरकार का ही नहीं हम सबका है, प्रवक्ताओं का है, एंकर्स का है, टीवी न्यूज चैनल्स का है, किसको आप डिबेट में बुलाते हैं, और उसमें बहुत सारे तथाकथित मौलाना भी हैं, बिल्कुल वो लोग आके इधर उधर की बातें करते हैं, व्हाट अबाउटरी करते हैं, और बहुत सारे प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर से आप एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलिएगा देश में आग लगेगी और आपको लगता है कि हमारा इंटरनेशनल ख्याति आती रहेगी, भारत का आज तक इस तरह से सिर नहीं झुका जो जिसका झुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने किया है, यहां पर आकर व्हाटअबाउटरी करने का किसी को भी हक नहीं है, अगर गलत हुआ है तो गलत को गलत कहने की क्षमता रखिए, सही को सही कहने की क्षमता रखिए, मैं फिर कहूंगी पीएफआई करौली आपको लगता है मंत्री राजू दास जी क्या बेवकूफी की बात करते हैं, मंत्री राजू दास जी क्या धर्म के आधार पर रोटियां सेक रहे हैं सब, इनके शब्द देखो बेवकूफी और औरत, मैं नोट कर रहा हूं सर, ये कांग्रेस की संस्कृति है,
अरे भाई बेवकूफी कौन सा गलत वर्ड हो गया? आप तो जो गलत कह रही अरे थी उनको अच्छा, गलत हो सकता बिल्कुल था नहीं गलत, कह हाँ रहे दी है, थे, नहीं आप और सही कह यहाँ रहे हैं, पर आप आप आके बोल रहे हैं कि ये पैनलिस्ट को सही बेवकूफ है। बोलोगे तो बिल्कुल गलत नहीं है, बात कर लिया, आप पैनलिस्ट को गलत औरत बात बोलोगे आप तो बोल गलत रहे नहीं है, बीपीके ये के। कांग्रेस तो की आप संस्कृति शांत नहीं है। रहिए, मेरी बहन बीपीके आपकी के गलती आप नहीं है, नोट करके बहन जी आप आपकी गलती पानी बिल्कुल नहीं पीजिए, है, आप महंत राजू पानी दास जी पीजिए, की ऐसी कब आ बातें रही है पहले उनको नोट पूरा कीजिए, दिमाग आप में बीपी की घूमने दवाई दे, खाइए। आज ये महंत देश राजू जा रहा दास है, जी मेरी की बीपी बारी का है बोलने अब, दीजिए, महंत राजू दास, बीपी की दवाई खाइए आप, महंत राजू दास। पहले तो वंदना जी मैं निवेदन करूंगा, अगर डिबेट टीवी चैनलों पर जिसको बोलने को कहा जाए वही बोले और वो शालीनता से बोले और वो किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का काम ना करे, तो जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में माहौल बने वो माहौल नहीं बनेगा। नंबर एक। नंबर दो, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को गाली दे। नंबर तीन, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के मामले में विपक्ष पूरे विश्व में डंका पीट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं की, नंबर एक, दूसरी बात कार्रवाई की तो उसको अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया, अभी तक जिस प्रकार से लोग उनके ऊपर लाख करोड़ करोड़ रुपया का इनाम ठोक रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से राजस्थान में बूंदी में एक प्यारे भाई मौलवी साहब ने पुलिस के मौजूदगी में डंके की चोट पे खुलेआम क्या क्या नहीं कहा, वो मैं नहीं कह सकता हूं। नंबर चार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके पार्टी के एक लाल बिहारी जी हैं जिन्होंने कहा था कि लिंग हार मांस का होता है, या आरएसएस और भाजपा वाले ये पत्थर में लिंग ढूंढ रहे, कितना शर्मनाक बात है। अगर हम इस पर रोड पे उतर कर दंगा करते, ट्रेन फूंक देते, लोगों को मारते, तो क्या क्या संदेश जाता। नंबर पांच, अभी एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है जिसमें माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको छुड़ाने के लिए हल्फनामा दिया था लेकिन कोर्ट ने फांसी दिया, क्या इस पर कोई माफी मांग रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सभी से, सभी प्रवक्ता से, कि जो ये माहौल क्रिएट हुआ है कि अभी बता रही कि फांसी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, आप नुपुर शर्मा को फांसी दे दो, लेकिन यह काम अदालत का है। जैसे आप हम काशी में बता रहे हैं कि वो शिवलिंग है और आप बता रहे हो ये अदालत का काम है, ये फौहारा है, तो जब शिवलिंग का मामला आता है तब तो आप फौहारा साबित कर देते हो, बताते हो जब जवाब कोर्ट दे निर्णय दो देगा तब अंजना जी, मानी जवाब दे जाएगी। दो। नहीं, अरे आपकी आपकी बारी आएगी तो दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, खूब जवाब दीजिएगा अरे तो मैं मां बोलूंगा जी नहीं, नमस्कार, तब तो मां जी आशीर्वाद तो अब दो, यही अरे जबरदस्ती प्रणाम हो गई, देख आशीर्वाद नहीं लीजिए, दे रहे हो आप, यही आतंकवादी अरे विचारधारा हो गई, देख लीजिए, आप अरे उनसे आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए क्यों ना लोगे? मां जी, अरे भदौरिया जी, आशीर्वाद आपके जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव, आप उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? उनका भी आशीर्वाद देखिए लीजिए। मैंने आप जब देखिए जब अगर आप जब वो ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर को लेकर, जो जो आकार मिला है उसको लेकर, शिवलिंग ना होने, पत्थर होने, ये सब कहने की बात करते हैं, तब आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है? तब आप ऋग्वेद कहाँ बिल्कुल भूल जाते हैं? तब तब नहीं तो अपनी रही, पार्टी के अंदर कोई नहीं देखता सर, और सामने वाले को अरे गिरफ्तार सबसे करो। देखिए जिस दिन आपने लिया भारतीय है जनता पार्टी, ये जो लाल देखिए बिहारी जिस दिन यादव है उनका भारत आशीर्वाद लिया है सुन सर तो आपने? दीजिए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ऋग्वेद को समझ जाएगी, सनातन धर्म को समझ जाएगी, तो अंजना जी देश के अंदर में इस तरह का माहौल पैदा नहीं होगा। अरे अपने ये तो आपने सत्य भी लाल बोलते बिहारी हैं तो भी कड़वा बोलते हैं, आपने लाल क्योंकि बिहारी यादव जी का सत्य आशीर्वाद लिया कि मैं नहीं? बोल रहा हूँ उस ज्ञान में पे वो मैं आपसे बयान भी दे आगे चुका, हैं। मैं बयान दे चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब जब ऋग्वेद को और सनातन को ये पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो उनकी भाषा शैली बदल जाएगी, इसलिए मैंने बोला था सत्यम ब्रूयात प्रियम, अगर आप सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो, लेकिन ये प्रिय कहां बोलते हैं,